अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ एसके यानी के शाहिद खान। आज मैं आप सब दोस्तों के लिए लाया हूँ नया ट्यूटोरियल। इस ट्यूटोरियल में एड ऑन है यानी के मोज़िला फायरफॉक्स का एड ऑन, जिसके ज़रिए आप बआसानी के साथ अपनी आईपी को हिडन कर सकते हैं यानी के छुपा सकते हैं, यानी के अमेरिका की लगा सकते हैं, यूके की लगा सकते हैं। अब भूल जाएं वो हॉट सपोर्ट शीड और वो सुपर आईपी हेडर, इजी आईपी हेडर जितने भी हैं सब क्रैक वाले, सब फजूल है। एक तो ये टाइम वेस्ट बहुत करते हैं, ऊपर से स्लो भी होते हैं। आप चाहे क्रैक इस्तेमाल करें या पैच इस्तेमाल करें, रिज़ल्ट वही आता है। तो मैं आपको आज सिखाऊंगा कि इसके ज़रिए कैसे आईपी को हैड किया जा सकता है, छुपाया जा सकता है। इसके ज़रिए आप जितनी ब्लॉग वेबसाइट हैं सब ओपन कर सकते हैं बआसानी के साथ। और दूसरी बात ये कि जो हॉल सपोर्ट शीट है और ये हेड माय आईपी, आईपी हेडर, इजी माय आईपी, जितने भी आईपी के सॉफ्टवेयर है चेंज करने के, ये सब फजूल है। अगर आपको क्रैक के साथ ही मिल जाता है तो वो काम इस तरह रिज़ल्ट नहीं होता है, स्लो होता है। यानी कि आप जब भी कोई वेबसाइट ओपन करेंगे इसका रिज़ल्ट स्लो होगा। और ये एड ऑन बिल्कुल फ्री है और फास्ट भी है। मैं आपको आज तरीका सिखाऊंगा कि इसको कैसे इंस्टॉल किया जाए मोज़िला फायरफॉक्स में एड ऑन को। और इस एड ऑन का नाम है एनोन मैक्स। सबसे पहले आप फायरफॉक्स 12 को इंस्टॉल करेंगे। अगर आपके पास फायरफॉक्स 12 नहीं है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे इसका लिंक दे दूंगा यूट्यूब के। और इसका लिंक भी दे दूंगा मैं अनोन मैक्स का। तो यूज़र्स देखिए, इसको हम नेक्स्ट कर देंगे, इसके बाद नेक्स्ट कर देंगे। ये तो आसान तरीका है, आपको तो पता ही होगा फायरफॉक्स इंस्टॉल कैसे किया जा सकता है। ये एड ऑन फ्री भी और फास्ट भी चलता है। आपने कई तरीके आजमाया होंगे हेड माय आईपी के हेडन करने के, तो मैं आपको बिल्कुल आसान तरीका बता रहा हूँ। ये लाइफ टाइम तक के चलेगा, बिल्कुल आसान है। मैं 3 महीने से इसको यूज़ कर रहा हूँ। कुछ लोग बड़ी प्रॉब्लम में होते हैं यार, आईपी को हेड कैसे करें वगैरह, वो तरह तरह के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं जिससे बात बनती नहीं है, बिल्कुल स्लो सॉफ्टवेयर होते हैं जिसको इस्तेमाल करने से भी गुस्सा आता है कि यार इतना स्लो। अच्छा, अब फायरफॉक्स इंस्टॉल हो गया है। इसको नेक्स्ट कर देंगे। सबसे पहले हम गूगल में जाएंगे, GOOGLE, google.com खोलेंगे। तो दोस्तों हमारे सामने google.com खुल गया है। आप ऊपर देखेंगे google.com.pk लिखा होगा, तो ये पीके जो है पीके, इसको हम चेंज करना चाह रहे हैं, इसको हम यूके में लाना चाह रहे हैं कि आईपी कैसे चेंज की जाए। इसको हम क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद मैं ये नोटपैड पे जाऊंगा और इसको मैं कॉपी कर दूंगा। इसका मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा मैं। इसको कॉपी किया हमने, और फायरफॉक्स को खोला। इस लिंक को हमने टैब में
डाल दिया, उसके बाद इंटर कर दिया। ये अनोन मैक्स जो है बिल्कुल आसान है। अब यहाँ पे नीचे डाउनलोड लिखा होगा, सॉरी ऐड टू फायरफॉक्स लिखा होगा, तो इसको क्लिक कर देंगे। अब ये इंस्टॉल हो रहा है हमारे फायरफॉक्स में। दोस्तों अगर इस बीच बोलने के दौरान कोई गलती हो जाए तो आई एम सॉरी। इसको हमने इंस्टॉल कर दिया, उसके बाद रिस्टार्ट नाउ लिखा होगा, इसको क्लिक कर देंगे। ये देखे रिस्टार्ट हो गया है फायरफॉक्स। इसको मैं क्लोज कर देता हूं। अब अगर हम गूगल लिखेंगे, google.com, सॉरी आज मेरा नेट जो है काफी स्लो है। ये देखे आ गया। अब मैं चाहता हूं कि यहाँ पे यूके लिखा हुआ है, तो कैसे यूके को लाएंगे, यूएसए को लाएंगे? यहाँ पे क्रॉस का निशान आप देख रहे हैं। इंस्टॉल करने के बाद अनोन मैक्स को इस तरह आ जाएगा, फायर फॉक्स रिस्टार्ट करने के बाद क्रॉस का निशान आ जाएगा। ये देखें क्रॉस पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे तीन ऑप्शन है, या ऑल कर रहे हैं, यहाँ ऑल का है, यहाँ मोर का है। यहाँ पे मैं कर देता हूँ यूके को, क्लिक किया मैंने यूके को और इसको डिलीट कर दिया। ठीक, इसको मैंने क्लोज कर दिया। और दोस्तों यहाँ पे चेक का निशान लाजमी है, अगर आप अनचेक कर देंगे तो दोबारा ही आपकी पाकिस्तान की आईपी आ जाएगी, इसलिए इसको चेक करके यूके या यूएसए कर देना है। मैं यूके को इसलिए कर रहा हूँ कि यूके की आईपी काफ़ी फास्ट होती है, तो इसको मैं दोबारा ही पेज को रिफ्रेश कर दूंगा। दोस्तों ये देखें यूके आ गया है, जैसे कि मैंने बताया था आपको। आप कोई सी भी वेबसाइट को जो ब्लॉक है आप सर्च कर सकते हैं, और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जो प्रीमियम अकाउंट होते हैं जिस पे मतलब जैसे हॉट फाइल का है, उस पे एक ही वक्त पे यानी कि 15 मिनट के बाद एक आईडी यानी कि सॉरी एक सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल करना पड़ता है, तो आप आईपी चेंज कर सकते हैं और दूसरा सॉफ्टवेयर भी डाउनलोड कर सकते हैं आईपी चेंज करके कुछ सेकंडों में। तो बस आज के लिए इतना ही काफ़ी था, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। और दोस्तों मेरा यूट्यूब का अकाउंट सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और ये खाली मोजेला एडोन पे ही काम करेगा, मोजेला फायरफॉक्स पे ये एडोन काम करेगा। ये मेरा यूट्यूब का चैनल है, इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मज़ीद इसी तरह अच्छे अच्छे ट्यूटोरियल्स में आप सब दोस्तों की खिदमत में पेश करूँगा। और अगर आप यूके के बजाय यूएसए लाना चाहते हैं तो आप दोबारा क्रॉस के निशान पर जाएं, इसको एक्टिव रहने दें और यूएसए पे क्लिक करें, डिलीट कर दें।
आज नेट मेरा काफी स्लो है। दोस्तों ये हो गया है, लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे तो पहले तो यूके लिखा हुआ आ रहा था और यहाँ पे यूएसए नहीं लिखा हुआ आ रहा। तो देखिए आप पता कैसे कर सकते हैं कि मेरी आईपी चेंज हो गई है। यहाँ देखें, ये अमेरिका का झंडा नज़र आ रहा है आपको, ये है आपकी आईपी। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि यहाँ पर यूके लिखा हुआ है या यूएसए लिखा हुआ है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपकी ऑलरेडी आईपी चेंज हो चुकी है। अब आप लोग यहाँ पे जो जो भी वेबसाइट एंटर करेंगे वो ऑटोमेटिकली खुल जाएगी। और ये एक फ्री एडॉन है और ये बिल्कुल फास्ट है। हॉट सपोर्ट शील्ड को भूल जाइए, और ये जो हेड माई आईपी है, जितने भी सॉफ्टवेयर है सबको भूल जाइए, बिल्कुल फ्री है और फास्ट भी है। आपको मजा ना आए तो कहना फिर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। दुआओं का तलबगार शाहिद खान को आप इजाज़त दें और ये ट्रिक आजमाएं जो मैंने आपको बताया है। इसका मैं लिंक मीडिया फायर के ज़रिए मैं दूंगा, आप यूट्यूब जब वॉच करेंगे, कोई सी भी वीडियो वॉच करें, ये मेरी तमाम वीडियोस हैं। एक बार फिर माजरत चाहूँगा कि मेरा नेट आज पता नहीं क्या हो गया, मेरा नेट को स्लो चल रहा है। ये देखें पेज खुल गया है। मेरी वीडियोस मेरे चैनल पे इस वक्त 15 वीडियोस हैं। और देखें जैसे मैंने यहाँ पर मीडिया फायर का लिंक दिया है, ठीक इसी तरह मैं अनॉन मैक्स का भी लिंक दूंगा मीडिया फायर के ज़रिए। आप जो मैंने तरीका बताया है इसी तरह आप इसको ट्राई कर सकते हैं। और मेरी वीडियोस शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के बान, दुआओं का तलबगार शाहिद खान को अब इजाज़त दे, अल्लाह हाफिज़।